दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में हुए आईईडी ब्लास्ट के मामले में प्रत्यक्षदर्शी डीआरजी के जवान ने बताया कि कैसे नक्सलियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों ने मुठभेड़ कर घायल नक्सली को लेकर लौट रहे जवानों को निशाना बनाया। वहीं डीआरजी के जवान दशरू राम बेक ने बताया कि त्योहार के लिए लगाए गए नाके में बच्चों की आड़ लेकर घटना की गई। जहां नाका लगा था वहां से महज 50 मीटर पर ही इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने जवानों ने फायरिंग शुरू की। इसके बाद जवाब में पीछे गाड़ी में मौजूद जवानों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। जवानों ने ब्लास्ट में अपने डीआरजी जवानों को खोया लेकिन हथियार को लूटने नहीं दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के दंतेवाड़ा जिला में कल एक ऐसी घटना हुई जिस घटना ने पूरे देश को शोकाकुल कर दिया। मैं आपको बताऊं, नक्सलियों की कायराना कारतूत कल देखने को मिली जिसमें हमारे 10 जवान और एक ड्राइवर यानी 11 लोग शहीद हो गए। उस घटना में जो मंजर था, 3 गाड़ियां गई थीं और ये वापस लौट रहे थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शी एक जवान हमारे साथ हैं, उन जवान से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आखिर कल नक्सलियों ने घात लगाया था और किस तरह से वो जो गाड़ी थी वो ब्लास्ट हुई। इस घटना में मैं आपको बता दूं, दंतेवाड़ा ही जिला के जो डीआरजी के जवान थे वो शहीद हुए और पूरा देश इस गम के अंधियारे में डूबा हुआ है। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि मैं उस गांव में एक जो जवान हैं उनके गृह गांव में मैं आया हूं और ये गांव के लोग हैं और इनके मुख पे वो शांति बता रही है कि इनके हृदय में आखिर कितनी वेदना चल रही है। इनसे समझते हैं ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये भी गए थे, किन बातों को लेकर के आप लोगों का नहाड़ी के क्षेत्र में, जैसा कि मैंने सुना है आप लोग नहाड़ी किसी ऑपरेशन को लेकर गए थे, क्या हुआ था, क्या था विशेष? रास्ता था वापस आने के बाद ऐसा हुआ सर, और वापस होने से वो पंडुम जैसा वाले उन लोगों का होता होगा। वहाँ से कितने दूरी पे ये घटना हुई? पास में सर, बहुत पास में था, उन लोग भी रोक दिया, बाद में गाड़ी स्लो हो गया। कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था? लगभग वो 5-1 आदमी थे, बच्चे लोग, छोटे छोटे इतने बच्चे लोग। ये घटना को अंजाम देने में बच्चे भी शामिल थे? जी। तो कैसा हुआ, आप लोगों के सामने क्या ये सारी वारदात हुई? सामने नाका लगा था, सामने नाका लगा था। अच्छा, नाका लगा था जी, किसका, कौन से चीज का नाका था? वो बांस का रस्सी का नाका लगा था जी। तो गांव वाले, हाँ बताइए, नीचे वो ढंडा था जी, ऊपर से रस्सी का। तो एक गाड़ी तो निकल गई थी जैसा कि पता चल रहा है? वो निकल गई थी एक गाड़ी, ये दूसरी गाड़ी के साथ? दूसरे गाड़ी के साथ। अच्छा, क्या आप बोल रहे थे, आप लोग उधर से कुछ फायरिंग भी हुई थी? उधर से भी फायरिंग हुआ थे, हाँ, हम भी इधर से किए, जवान लोगों ने भी मोर्चा संभाला था, लेकिन और कवर करके हम लोग आगे निकल गए। मतलब उनको सबको बंदूक नहीं ले जा देंगे बोल के, यानी अगर जवान नहीं होते तो बंदूक भी जो है। तो आप क्या नाम लिखते हैं? दशरू राम। क्या अब उन नक्सलियों से बदला लिया जाएगा? दिया जाएगा सर, हम छोड़ेंगे नहीं, ये बदला जरूर देंगे, हम ये निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे, निकाल देंगे कहीं से कहीं, ये बदला को कहीं नहीं जाने नहीं देंगे हम। ये आप लोग नहाड़ी से किसी घायल जवान का जो है लेकर के आ रहे थे, किसी घायल किसी नक्सली को लेके आ रहे थे नहाड़ी से? जी, नहाड़ी से एक नक्सली को लेके आ रहे थे, घायल था, घायल था। वो नक्सली कहाँ मिला आपको? वो जंगल में मिले। क्या मुठभेड़ हुई थी? हाँ, मुठभेड़ हुई एक दिन पहले। पहले मतलब वही रात को, हाँ रात में हुआ, आप लेके आ रहे थे, दिन में ये घटना घटी। आप भी थे साथ में? नहीं, पीछे थे ये लोग, पीछे थे। एक बार और छोटे से एक मेरा छोटा सवाल है, आप बता रहे थे कि बच्चे भी थे साथ में? हाँ, बच्चे मतलब बच्चे छोटे थे, इससे बड़ा बड़ा बच्चे थे, इससे बड़े बड़े बच्चे थे, थोड़ा इतना बड़ा, उन लोग पैसा ले रहे थे, 10-20 रुपया ले रहे थे। अच्छा अच्छा, और उसके आगे जो है नक्सली थे? हाँ, उसके आगे 50 मीटर के आगे में मतलब नक्सली थे। क्या गांव वालों को नहीं पता था कि वहाँ नक्सली हैं? नहीं पता था, कि पता चल गया था इसलिए तो इतना। हाँ बताएं, पता था होगा क्योंकि नहीं पता था वो तो, मेरे को नहीं मालूम। जी 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 जी, बहुत पीड़ा हो रही होगी अपने। हाँ,
और हम लोग का गाड़ी में जो लकड़ी फंसा था इसलिए हम लोग लेट हो गए, तो हम फंस जाते हैं। एक हृदय को बिल्कुल शोक के करीब खड़ा कर दिया है इसने और पूरा दंतेवाड़ा शोकाकुल हो गया है। मैं आपको शहर का बताऊं तो आज ऐसा लगा था कि लोगों ने सामूहिक हड़ताल टाइप का कर रखा था। दंतेवाड़ा के जिला के जो लोग हैं इस तंज को बहुत दिन से झेल रहे हैं। आपने सुना होगा जवान किस तरह से अब क्रोध में हैं कि हम इसका बदला लेकर के रहेंगे। जल जंगल जमीन की लड़ाई कहने वाले नक्सलियों का ये एक और रंग था। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ प्रदेश के